और दो शहरों के नाम बदलने पर सामना में उद्धव सरकार की वाहवाही। सामना में क्या लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र से औरंगजेब का नाम मिटा दिया, इशारों इशारों में शिवसेना का कांग्रेस पर हमला, कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ लेकिन सीएम उद्धव ने फैसला लिया। ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए फैसला लिया। मयूरेश कांग्रेस पर निशाना, जाते जाते ये फैसला यानी कि रिडीम करने की कोशिश हिंदुत्व की शिवसेना की तरफ से। अभी तक हम देख रहे थे कि हिंदुत्व को लेकर असली नकली कहा जा रहा था, केंद्र की बीजेपी सरकार को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन जाते जाते औरंगजेब को निशाना बनाया जा रहा है फिर से। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हिंदुत्व से वो जुड़े, अभी भी जुड़े हुए हैं यही बताना वो चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने सवाल उनके ऊपर उठाए थे कि इससे पहले भी मांग की थी कि औरंगाबाद का नाम बदला जाए, तब उद्धव ठाकरे जो वो कहते थे कि ये केंद्र के हाथ में है, आप केंद्र से बात कीजिए, केंद्र के हाथ में ये सब पावर है। लेकिन जाते जाते जिस प्रकार से उन्होंने ये दो डिसीजंस लिए हैं, इससे यही पता चलता है या यही आप बता सकते हैं कि उन्हें यही दिखाना है कि अभी भी वो हिंदुत्व के साथ है और हिंदुत्व उन्होंने नहीं छोड़ा। ठीक है सुनील जी, क्या ये आखिरी कार्ड है अपनी राजनीतिक धरातल को, अपनी जमीन को बचाने के लिए, कि अगर हिंदुत्व भी हाथ से निकल गया तो ठाकरे परिवार के पास सिर्फ शिवसेना भवन के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा? कि जाते जाते उन्होंने एक बीजेपी को दे दिया कि बीजेपी को बता दिया कि आगे का रास्ता आपके लिए आसान नहीं है, ये भी बताया है, हम हर मोड़ पे आपसे झगड़ते रहेंगे, ये उन्होंने बताया। ये सही है, हिंदुत्व ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में उन्होंने पॉलिटिक्स का दाव खेला है, उसमें कोई ये नहीं है। अब बॉल इज इन द सेंटर स्कोर, बॉल इज नॉट इन देवेंद्र फ्यूचर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बट इन द सेंटर स्कोर। अगर नहीं करेंगे तो इनके लिए मुद्दा हो गया। देखिए ठीक है, ठीक है संभाजी महाराज, ये राजनीति है, देखिए फिलहाल किस करवट, कौन सा करवट लेती है तो देखना होगा, लेकिन हमने पार्टियों को अलग होते और फिर साथ होते भी इसी देश में देखा है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और असंभव को संभव बनाने की कला को ही पॉलिटिक्स यानी राजनीति कहते हैं। देखना होगा महाराष्ट्र में क्या संभव होता है और आने वाले समय में क्या असंभव हो जाता है।